वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रविवार को हम एक स्टोरी लेकर के आते हैं जिससे आप लोगों को जानकारी मिलती है। ये एक्चुअली आपके जो पढ़ाई है इससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी जानना चाहते हैं जो कि देश दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। ऐसी ये स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं साथियों। ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि ड्रग्स की दुनिया का बादशाह कहलाया जाता है। अच्छा, इसकी हमने छोटी छोटी कई स्टोरियां सुनी होंगी शॉर्ट वीडियोस में, या किसी के मुंह से हमने सुना होगा, और फिर हमारे अंदर जो है लालसा उठती है कि इसकी कहानी पूरी सुनी जाए। ऐसी कहानियों के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और कर दी है हमने। पीछे हमने दो तीन कहानियाँ सुना दी हैं, और आज की जो कहानी है वो है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह, इसको कह सकते हैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, सातवें नंबर का। दोस्तों, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को मारने का इल्जाम इस व्यक्ति के ऊपर है, समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को मारने का इसके ऊपर इल्जाम है। जेल अपनी मर्जी की बनवाई, जिस जेल में रहा अपनी मर्जी की प्राइवेट जेल इसने बनवाई। कर्जा पटाने को कहा, इसने अपने देश का पूरा कर्जा पटाने को कहा। कर्जा कितना था? 10 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन डॉलर का मतलब लगभग 5.4 अरब रुपए, इतने रुपए ये कर्जा पटाने के लिए तैयार था। इसका एक नारा था, रिश्वत लो या जान दो, ये इसका नारा रहा। एक बार, ये बड़ी फेमस बात है, आप लोगों ने सुनी होगी कि इसके द्वारा जब ये एक बार घूमने के लिए जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो इसकी लड़की को, इसकी बेटी को ठंड लगी, तो इस व्यक्ति ने लगभग 13 करोड़ रुपए जला दिए केवल उस तपिश के लिए, उसकी आग से गर्मी पाने के लिए। तो ये वो व्यक्ति है। बिल्कुल जीरो से इसकी कहानी को समझते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। थोड़ी बड़ी रहेगी कहानी, लेकिन मज़ा आएगा कहानी में। कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि भाई ये कहानी अच्छी नहीं है, बहुत मज़ेदार कहानी है। मतलब आप समझिएगा, इस व्यक्ति की कहानी को सुनोगे तो आपको एक नई चीज़ें मिलेंगी, मतलब सुनने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन स्मगलर, सबसे बड़ा दुनिया का, आप लोगों के जो सोच है, समझ है, वो दाऊद इब्राहिम तक आकर रुक जाती है कि भाई ड्रग्स की दुनिया में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो दाऊद इब्राहिम है। लेकिन इस दाऊद इब्राहिम का कहीं भी स्टैंड नहीं है यहाँ इस व्यक्ति के हिसाब से। दुनिया का सातवां सबसे अमीर व्यक्ति, इतना अमीर कि नोटों के बंडल गड्ढे खोद कर, जो कि गड्ढे खोदते हैं नीचे, उन गड्ढों को खोद करके नीचे दबाए जाते थे। बैंक में पैसे नहीं रखता था, या तो बड़े बड़े इसने जो है रूम बनाए हुए थे जिनको गोदाउन या गोडाउन बोल देते हैं, गोदाम, उन गोदामों में रखता था, या जमीन में गड्ढे खोद करके उनके नीचे दबाया करता था। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे कामयाब क्रिमिनल है, सबसे अमीर क्रिमिनल वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये इसकी कई मूवियां बनी हैं, कई चीजें बनी हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से ये व्यक्ति था। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर है एक, 1949 में गरीब किसान के घर में इसका जन्म हुआ। बड़ा हुआ, स्कूल पहुंचा, स्कूल पहुंच करके इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये पढ़ सके और फीस जमा कर सके। एक बार स्कूल से इसको भगा दिया गया केवल इसलिए कि इसके पास जो है फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो स्कूल से भगा दिया। खैर, स्कूल से भागने के बाद इसने छोटे छोटे जो सड़क छाप अपराध होते हैं वो इसने करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने जो कब्र होती है, जो जिसे हम कहते हैं ना कब्रिस्तान में जो कब्र होती है उसमें पत्थर दबाए जाते हैं, ये रात को जाता और उन पत्थरों को निकालता, और उन पत्थरों को निकाल करके उनको स्मगल करता था। तो 1,000, 2,000, 4,000 रुपए इस तरीके से कमाता था। धीरे 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 ये अजमाने लगा अपने, मतलब इसी अपराध की दुनिया में अपने लक को अजमाने लगा। अब इस व्यक्ति ने और कई काम करे, जैसे गांजे की सप्लाई, गांजा होता था, गांजे की सप्लाई करता था। सिगरेट, जो बैन सिगरेट होती थी, जो बंद सिगरेट होती थी जिसको कोई नहीं पीता था, जो बैन हो जाती थी देश में, उन सिगरेटों को लेकर के आना और ब्लैक मार्केट के हिसाब से उसको बेचना, फर्जी लॉटरी टिकट बेचना, या कार भी चोरी करता था। बड़ी बड़ी कारें, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंज वगैरह, ऐसी कारों को ये चोरी करता था। 1970 दशक की बात है, ये 1970 के दशक की बात है। शुरुआती सालों में इसने जो है अपनी छोटी छोटी चोरियों से पहचान बनाई, फिर धीरे धीरे इसकी जो उम्र है वो लगभग 20-21 साल की हुई तो इसने जो है किडनैपिंग में हाथ डाला। इसने जो है एक व्यक्ति को अपने ही पड़ोसी, जो कि मेडेलिन से बिलोंग करता था, वहाँ का एक था, एक मालदार शख्स था, बहुत अमीर एग्जीक्यूटिव था,
उस व्यक्ति को उठा लिया इसने और उठा करके किडनैप कर लिया। अब उस व्यक्ति से इसने फिरौती मांगी $1,00,000 की। $1,00,000 आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में लगभग $6,00,000, क्योंकि अब जो है 6 गुना बढ़ चुका है उस समय से जो डॉलर है। $6,00,000 यानी इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 4 करोड़ रुपए लगभग ये अमाउंट होता है। तो लगभग 4 करोड़ रुपए इसने उस समय कमाए, तो मिलियनर तो हो गया था, पैसे वाला हो गया, करोड़पति आदमी हो गया। अब इसका नाम कहां से चर्चा में आया, मतलब इतना 2-4 करोड़ रुपए कमा ले तो बहुत ज्यादा नाम नहीं हो सकता व्यक्ति का। लेकिन इसने 1975 में ड्रग्स माफिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया था उस समय का, उससे इसकी डील थी। लगभग 14 किलो इसने जो है ड्रग्स का जो है वो ड्रग्स बेचना चाह रहा था, तो इसने जो है बिकवाया। मतलब बीच में बोलते हैं दलाल होते हैं, दलाल के रूप में आया कि मैं बिकवा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जब वो 14 किलो ड्रग्स जो है कोकीन की डील हुई, तो इसने क्या किया, वो 14 किलो जो कोकीन थी उसको तो ले लिया और साथ ही साथ जो पैसे थे वो भी इसने रख लिए और उस व्यक्ति को मार दिया। मारने के बाद 1975 की ये बात है, 14 किलो अगर ड्रग्स की बात करें, कोकीन की बात करें, तो करोड़ों रुपए की होती है। बहुत ज़्यादा, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, किलो के हिसाब में भी करोड़ों होते हैं। ये 14 किलो थी तो इतनी उसने ड्रग्स को बेचा, पैसे मतलब बेचा क्या, उसको मार दिया और फिर बेचा आराम से, करोड़ों रुपए कमाए। उसके बाद इसका धंधा ठीक ठाक चलने लगा, बढ़िया जोरदार, क्योंकि करोड़ों रुपए हो गए, 15-20-30 करोड़ रुपए हो गए उसको कमाया। 1976 में इसने एक 27 साल की उम्र में एक 15 साल की लड़की से शादी की। शादी के बाद परिवार ठीक से चलने लगा, 2 बच्चे हुए। उसके बाद इसने धीरे धीरे जो है और अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। फिर इसने जब एक बार ये क्राइम के धंधे में आया तो ये बढ़ता चला गया, फिर रुका नहीं। उस समय पर कोलंबिया देश का रहने वाला था ये। उस समय कोलंबिया में सिविल वार के हालात थे, बहुत ज्यादा कहानी खराब थी उस समय पर। तो ये वो दौर था जब कोलंबिया में सरकार और पैरामिलिट्री जो फोर्स थी और लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का इसने फुल फायदा उठाया, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ कर रहे थे, ये व्यक्ति अपना लक आजमा रहा था, क्राइम की दुनिया का बादशाह बनना चाह रहा था। और इसकी जो क्राइम का सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। इस व्यक्ति का कहते हैं कि इसका जो नारा था वो नारा था प्लाता और प्लोमो, यानी गुप्त तरीके से इसको देखा जाए तो इसका मतलब होता है रिश्वत या मौत। छोटे मोटे अधिकारियों से बात नहीं करता था, बड़े बड़े अधिकारियों से, रिश्वत लो, अगर रिश्वत नहीं लेनी है तो मौत आपका इंतजार कर रही है, इस तरीके से था इसका। खौफनाक, बहुत खौफनाक था। बताया जाता है कि इसने जो है अपने समय में लगभग 4-5 हज़ार बड़े बड़े अधिकारियों को मारा, मतलब 4-5 हज़ार मौतों का इस पे जो है इसके सर पे जो है जिम्मेदार इसको माना है, 4-5 हज़ार मौतों का। इस व्यक्ति का जो तरीका था वो इतना ख़राब तरीका था ड्रग्स डीलिंग का, यानी जो ड्रग्स सप्लाई करने का जो सिस्टम था, कि प्लेन के जो टायर होते हैं, प्लेन के टायर, उन प्लेन के टायरों में ड्रग्स रख के सप्लाई करता था। पाब्लो इसका नाम था, पाब्लो के भाई ने बताया है, रॉबर्टो ने, उसने बताया है अपनी किताब में, किताब का नाम है इन द अकाउंटेंट्स, इस किताब का नाम है, इस स्टोरी में उसने लिखा है कि पाब्लो जो है वो मध्यवर्गीय सादगी धुंधलके से उठ करके दुनिया का सबसे रईस लोगों में शामिल हुआ। इसके धंधे का तरीका एकदम डीट था, ये ऐसा उसके भाई ने लिखा है। इसके लिए मतलब जो डेट क्यों बताया है, इसके खराब क्यों बताया है, क्योंकि ये प्लेन जानते हो आप, सवारियों को इधर से उधर ले जाना, कार्गो प्लेन सामान को इधर से उधर ले जाना, अंदर रख के नहीं, अंदर रखेगा तो चेक इन होगी, तो टायरों में ड्रग्स को रखने लगा। और एक बार ड्रग्स जो अंदर रखता था और एक बार ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो पायलट को पैसे दिए जाते थे, वो पायलट को लगभग $5,00,000 दिए जाते थे एक बार में। समझ सकते हैं कि एक बार में $5,00,000 का मतलब है कि अगर इन $5,00,000 को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये करोड़ों में बैठेंगे, इतने रुपए ये हर खेप पे दिया करता था। तो लगभग सीधी सी बात है कि भाई $5,00,000 जब ये एक बार में पायलट को दे रहा है तो भाई सीधी सी बात है कुछ अधिकारी तो खुश भी होंगे इससे।
तो ऐसा ही किया करता था, और एक बार में कई टन इधर से उधर ये ड्रग्स को करता था। ये व्यक्ति इतना अमीर था कि हम अगर अमीर अमीर शब्द का इस्तेमाल करें तो इसके लिए बड़ा छोटा शब्द है, मतलब बहुत अमीर इसको कहा जाएगा तो बहुत जो विशेषण है इसके लिए बहुत छोटा सा विशेषण है। फोर्ब्स मैगजीन है, एक फोर्ब्स मैगजीन आप सब जानते होंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कंपटीशन गुरु के जो जितने भी सदस्य हैं बड़े ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो फोर्ब्स जो मैगजीन है, इस मैगजीन में बताया गया है कि दुनिया का सातवां सबसे अमीर व्यक्ति रहा है, और सातवां अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ बड़ी मुझे सुनकर के ये हैरानी हुई कि इसके बारे में लिखा है कि इस व्यक्ति का एक भी रुपया इसका बैंक में नहीं था, एक भी रुपया, मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर बैंक में नहीं तो फिर कहाँ है। तो पहले ही बताया मैंने, जमीन खोद करके घर में गोडाउंस में ऐसे छिपाना इसका काम था। एस्कोबार के भाई के मुताबिक बताया गया है कि 7 दिन के अंदर लगभग $1,000, यानी कि आज के समय में अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 70,000 रुपए की तो केवल रबड़ बैंड का इस्तेमाल करता था, रबड़ बैंड जिसको बोलते हैं, एक सप्ताह में 70,000, यानी एक दिन में 10,000 रुपए की तो इसकी रबड़ बैंड इस्तेमाल होती थी, जो कि नोटों के बंडल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस व्यक्ति ने अपना खुद का चिड़ियाघर बनवाया, चिड़ियाघर ऐसा कि कोलंबिया में ऐसे ऐसे जानवर नहीं थे जो इसके चिड़ियाघर में पाए जाते थे। दुनिया के सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक, सबसे अजीब और गरीब जानवर इसके जो है चिड़ियाघर में थे। और एक समय ऐसा था कि जब अमेरिका में जो ड्रग्स सप्लाई होता था तो लगभग 80% ड्रग्स दुनिया की अमेरिका में केवल अकेला ये व्यक्ति करता था जिसका नाम था एस्कोबार। एस्कोबार अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अमेरिका में 80% ड्रग्स को सप्लाई करता था, बताया गया है। एक बार ये भी बताया गया है कि इसकी बेटी एक बार जो है इसके साथ घूमने के लिए गई थी, तो एक बार ये ऐसे जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ ठंड का मौसम था, अब ठंड उसको बहुत ज़्यादा लगी, तो अब ठंड के मौसम में करे क्या हुआ, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कि वो लकड़ियों को जला सके या कुछ ऐसा कर सके, बर्फ़ पड़ रही थी चारों तरफ, तो इसके साथ नोटों का एक बैग था। अब उसमें लगभग $2 मिलियन के नोट थे, $2 मिलियन मतलब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें $2 मिलियन को तो लगभग 13 करोड़ के आसपास रुपए हो जाते हैं, इतने रुपए थे इसके पास, इतने रुपए इसने जला दिए हों केवल अपनी बेटी को तपिश देने के लिए, गर्मी देने के लिए। अच्छा, हमारे देश में भी अमीर लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, ये बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन इनका कोई भी धंधा ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक काम करते हों। अच्छा, करते भी होंगे तो कुछ चोरी छिपे छोटा मोटा काम, नहीं तो ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नंबर का काम करते हैं क्योंकि टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को। लेकिन ये व्यक्ति काले धंधे में, मतलब ब्लैक कर रहा है, ब्लैक करता है। कितना कमाता होगा आपके हिसाब से, एक दिन में इसकी कमाई कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 3 करोड़, मुश्किल से जाओगे 10 करोड़ एक दिन में। दिमाग उतना ही काम करता है जितना हम सोचते हैं कि भाई काली दुनिया में कितना कमा सकता है एक दिन के अंदर। तो इस एक समय ऐसा था जब इसका धंधा चरम पे चल रहा था तो एक दिन में इस व्यक्ति ने लगभग $60 मिलियन, यानी कि अगर 60 मिलियन को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 400 करोड़ रुपए पर डे की इनकम थी, पर डे 400 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 0 ही गिनते रह जाएंगे हम जैसे, तो इतना ज्यादा पैसे इसने कमाए। अब जब ये इतने खतरनाक काम कर रहा था तो ऐसा तो नहीं है कि अब कब तक करता रहेगा, अमेरिका की जो एजेंसियां हैं ये भी पीछे पड़ेंगी और भी देशों की एजेंसियां इसके पीछे पड़ेंगी। तो इसने क्या किया, बाद में पॉलिटिक्स का सहारा लेने की सोची इसने। इसने सोचा कि भाई अब जो है, अब तो हमारा ये तरीका है कि पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा जाए, हो सकता है कि हम बच जाएं, वरना तो मौत निश्चित है, एनकाउंटर कर दिया जाएगा किसी दिन। तो इसने पॉलिटिक्स का सहारा लिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही हैं क्योंकि बाग है यहाँ पे, और बाग में ये मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं इस समय, शाम का समय हो गया है तो थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है। तो इन्होंने जो है पॉलिटिक्स का सहारा लिया,
पॉलिटिक्स का सहारा लिया और पॉलिटिक्स में भी कच्चा खिलाड़ी नहीं निकला। 1982 में इसने कोलंबियाई संसद के निचले सदन अल्टरनेट मेंबर के तौर पर इसे चुना गया और कोलंबिया की लेबर पार्टी में था। स्पेन में जब वक्त इस समय जो है ड्रग साम्राज्य भी चरम पे था, पैरेलल काम चल रहा था, तो इसने जो है कोलंबिया के निचले सदन में शपथ भी ली और साथ के साथ इसने जो है पैरेलल ड्रग्स का भी काम चल रहा था। कई किताबों में इसको बड़ा फिल्म मतलब बताया गया इसके बारे में, कई फिल्मों में फिल्माया गया इसकी स्टोरी को, और इसको गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके जो कारनामे थे वो थोड़े गरीबों के लिए बहुत अच्छे थे। गरीबों के लिए अच्छे इसलिए बताए गए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गरीबों के लिए इसने जो है घर बनवाए, गरीबों के लिए इसने जो है पैसे बांटे, गरीब लड़कियों की शादी कराई, गरीबों के लिए इसने जो है मेडिकल खुलवाए और हॉस्पिटल खुलवाए, गरीबों के लिए इसने फुटबॉल ग्राउंड बनवाए, क्योंकि फुटबॉल के जो खिलाड़ी हुआ करते हैं उनसे बड़ा प्रेम करता था, फुटबॉल मतलब इसकी प्रिय खेल था, तो उन खिलाड़ियों को भी स्पॉन्सर किया इसने, और बहुत से मतलब इसने रॉबिनहुड वाले काम किए। अब इसने जो है जब लास्ट टाइम हुआ तो लास्ट टाइम में इसने जो है अब सरकार के हाथ आया, तो इसने सरकार से कहा कि भाई जो जेल बनाई जाएगी वो जेल भी मेरे हिसाब की होगी, आप पैसा कितना भी लें जेल मैं अपनी बनाऊंगा। तो इसने जो है जेल भी अपनी प्राइवेट जेल थी, जेल में सारी व्यवस्थाएं थी, लेकर के स्विमिंग पूल, लेकर के प्ले ग्राउंड जिसमें गेम वगैरह खेलता था, मोबाइल वगैरह, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1975-78 की ऐसी बात है, तो इस समय पर इसके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, वहां पे एकदम आलीशान थी। तो जेल में भी इसने काफी आराम फरमाया। अब इसके बाद जेल से भी ये छूट गया कुछ दिन के बाद, तो छूट गया तो फिर ये फिर से बाहर मतलब पैरेलल इसका धंधा बंद नहीं हुआ, चलता रहा, कहानी चलती रही। मरा कैसे? अब बात उठती है कि फिर ये मरा कैसे, क्योंकि व्यक्ति अब है नहीं, ये बड़ी आसानी से मर गया होगा ये कहना अंडर स्टेटमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़े आसानी से मर गया होगा, क्योंकि ड्रग्स के दुनिया का बादशाह इसको कह सकते हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी भी कह सकते हैं ड्रग्स की दुनिया का। तो कोलंबियाई पुलिस एक नई ब्रांच बनाई, कोलंबियाई की पुलिस ने सर्च ब्लॉक, 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक ने जो एस्कोबार को मार गिराया। कैसे? रेडियो ट्रायंगुलेशन एक वेब होता है जिससे आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसी चीज़ व्यवस्था आप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि फ्रिक्वेंसी सरकार तक पहुंच रही है, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हिसाब से जो है सीधी की सीधी जानकारी आपकी सरकार तक पहुंच जाती है। तो सरकार तक पहुंची, सरकार ने कुछ अपने गिने चुने ऐसे जो कि आर्मी के बहुत अलग जवान थे, थोड़े से जो स्पेशल टास्क के कह सकते हैं, स्पेशल फोर्स के जवान भेजे, एनकाउंटर हुआ, शूट आउट हुआ, तो एक्साबार के जो बॉडीगार्ड थे वो छत पर चढ़ गए और भागने लगे। इस बीच में जब ये भागने की कोशिश कर रहा था तो बताया है कोलंबिया की पुलिस ने कि इसके जो गोली मारी वो हमने गोली मारी, इसको मार दिया हमने, लेकिन इसके जो भाई है, भाई ने बताया है कि ये खुद से नहीं, मतलब ये पुलिस ने नहीं मारा इसको, ये खुद से मरा था, खुद से, क्योंकि इसका शुरुआती में एक इसने कहा था अपने बच्चों से और अपने भाई से या अपनी बीवी से कि मैं इतने धंधे कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा तो सरकार के हाथ मरने से अच्छा मैं खुद को गोली मार लूंगा, खुद से गोली मार लूंगा अपने आप को। तो इसने जो है खुद से अपने आप को गोली मारी, ये एक मिथ है, हम कह सकते हैं भाई सरकार कहती है कि हमने मारा, ये खुद ऐसा मानते हैं, इसका भाई कहता है कि खुद से मरा, तो ये तो मिथ है, ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। खैर, जो भी इसमें कहानी लिखी हुई थी वो सारी कहानी मैंने आपको बताई है, और जब ये मरा, इसको गोली मारी गई, तो ये रॉबिन हुड के रूप में इतना खुलकर के व्यक्ति सामने आया कि इसको बताया गया। जब ये इसका शव यात्रा थी, मतलब जिस जब इसका बिल्कुल लास्ट पीरियड था, जब मरने के बाद में जब इसके शव को लेकर के जा रहे थे, तो लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोग इसके आखिरी सफ़र में पहुंचे थे, तो आप जान सकते हैं कि लोगों के बीच में इसका कितना प्यार था और लोगों में कितना प्यार था इसके लिए। तो ये कहानी थी, विश्व इतिहास में बड़ी फेमस कहानी है, आप लोग सर्च करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि 13 करोड़ रुपये इसने जला दिए,
या ऐसा कौन व्यक्ति था जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर ड्रग्स सप्लायर था, और बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे हर संडे को। ये स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो सभी बच्चे, सभी मेरे छात्र, सभी मेरे भाई बहन शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।